मंडी की नगर निगम विधायक की कमी को पूरा करने जा रही है। ये बात नगर निगम मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। आपको बता दें कि बाड़ी क्षेत्र हाल ही में नगर निगम में शामिल हुआ है और सदर के विधायक अनिल शर्मा का घर यहीं पर है। अनिल शर्मा के घर से मात्र 500 मीटर आगे ये चुनावी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक अनिल शर्मा पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा कायदे से भाजपा के विधायक हैं और अगर आज वे साथ होते तो नजारा कुछ और ही होता, लेकिन दादू पोते की जिद में वे कहीं खो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को विधायक की जो भी कमी खल रही है उसे भाजपा की नगर निगम बनाकर पूरी करेगी। अच्छा होता अगर यहाँ हमारे विधायक आज हमारे बीच में होते, हमारी ही पार्टी ने उनको चुन करके भेजा है, आप सब लोगों ने ही चुनकर भेजा है और इस कॉर्पोरेशन में बनाने के लिए वो स्वागत करते मंच से, और मंडी शहर के विकास के लिए, मंडी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक मुखी होकर के एक स्वर में हम सब लोग काम करते तो नजारा कुछ और होता, नक्शा कुछ और होता। लेकिन इस बात की कमी महसूस करते हो, और मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, इस कॉर्पोरेशन को बना करके आप हमें दीजिए। मैं समझता हूं कि उस कमी को इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम पूरा करके देंगे। जयराम यही नहीं रुके, उन्होंने अनिल शर्मा द्वारा विजन को लेकर कही जाने वाली बातों को लेकर जमकर कटाक्ष भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल शर्मा ऐसी बातें करते हैं जैसे विजन सिर्फ उन्हीं के पास हो, बाकियों का कोई विजन नहीं है, जबकि उनका विजन सिर्फ उनके परिवार तक सीमित है। उन्हें परिवार चाहिए और हमें मंडी। जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को आग्रह करते हुए कहा कि मंडी शहर को ना रोका जाए और इसे आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि वर्षों के बाद मंडी को एक मान सम्मान मिला है और इसे खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने वार्ड नंबर 9 पैलेस 2 में भाजपा प्रत्याशी सुमन ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की और लोगों से कई लोक लुभावने वायदे भी किए। इस मौके पर उनके साथ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर रामलाल मारकंडे, विधायक राकेश जम्बाल सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मत रोकिए इस मंडी को आगे बढ़ने दीजिए, और मंडी को एक सम्मान मिला है, सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है, इस सम्मान के साथ जीने का अवसर जो मिला है इसमें मंडी को खुली सांस लेने देना चाहिए, ये मुझे लगता है ये आवश्यकता है। कहा जाता कि हम विजन के साथ काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि बाकी को तो कोई विजन है ही नहीं। जैसे हमने सोचा था कि उनके साथ उनके विजन को भी साथ लेंगे और क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं मंडी के बारे में, उनके विजन को भी साथ लेते हैं, लेकिन उस विजन का करें क्या? वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन वो विजन अभी यहां से बाहर आ ही नहीं रहा है। क्या करेगी उस विजन का? विजन क्या है? उनका विजन है उनको परिवार चाहिए, परिवार का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कम कहां पहुंचेगी मुझे मालूम नहीं। हमें तो मंडी चाहिए, हमें तो मंडी का विकास करिए और पूरे प्रदेश का विकास करिए।